दोस्तों, क्या आपका इंस्टाग्राम ऐप आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है? आपने इंस्टाग्राम ऐप को इंस्टॉल करके रखा हुआ है, डाउनलोड किया हुआ है, लेकिन आपका इंस्टाग्राम ऐप आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे शो ही नहीं हो रहा है और इस प्रॉब्लम को आप ठीक करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो पर क्लिक किए हो। मैं इस वीडियो में इंस्टाग्राम ऐप को शो करा के दिखाऊंगा अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। तो पहले तो आ जाना है आपको अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। देख सकते हैं यहाँ पर ये सारी एप्लीकेशन यहाँ पर जो है शो हो रही है, लेकिन इसमें जो है आपको इंस्टाग्राम नहीं दिख रहा हुआ। अब इंस्टाग्राम को शो कराने के लिए आपको पहले तो हो सकता है पहला प्रॉब्लम कि आपने डाउनलोड की करते समय सही से डाउनलोड नहीं किया होगा। बहुत सारा प्रोसेस है, आपको एक एक करके देखना है। आपको पहले प्ले स्टोर ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपको सर्च करना है इंस्टाग्राम ऐप को। इंस्टाग्राम को सर्च कर लेना है और सर्च करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर चेक करना है कि आपने सही से डाउनलोड किया है या नहीं किया है, या फिर कोई अपडेट आया है तो आप अपडेट भी कर लेंगे। यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अब इंस्टाग्राम ऐप को अपडेट कर लेंगे। अपडेट करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, अपडेट जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए तब यहाँ पे आपको एक ओपन का ऑप्शन देगा। ओपन का ऑप्शन थोड़ा लेट से आता है, वेरीफाई होता है अपडेट कंप्लीट होने के बाद, तब आपको यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आएगा। ओपन के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, जब आपका ऐप में आप चले जाएंगे तब समझ जाएंगे आप कि आपका एप्लीकेशन जो है डाउनलोड हो गया है। ये अपडेट कंप्लीट होने के बाद वो ओपन का ऑप्शन आता है। इतना करने के बाद भी अगर आपका जो है ये एप्लीकेशन शो नहीं होता है तो आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको आना है अपने फ़ोन की सेटिंग्स में। फ़ोन की सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको प्राइवेसी का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको हाइड ऐप का ऑप्शन शो हो जाएगा। अगर हो सकता है दोस्तों अगर आपका कोई और फ़ोन हो, मेरा रियलमी का फ़ोन है तो इस तरीके का सेटिंग्स है, आपका कोई और फ़ोन होगा तो आपको ऐप्स के ऑप्शन में वो हाइड ऐप का ऑप्शन शो हो। तो आपको डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो आप सर्च करेंगे, डायरेक्ट सर्च करने से कोई भी फ़ोन में आपको ये ऐप्स ऑप्शन दिख जाता है, हाइड ऐप का ऑप्शन। तो मैं हाइड ऐप्स का ऑप्शन सर्च करता हूँ एंड सॉरी दोस्तों, यहाँ पे हाइड ऐप का ऑप्शन हम सर्च करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे जो है हाइड ऐप्स का ऑप्शन है प्राइवेसी के ऑप्शन में, इस पर आपको क्लिक करना है। सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा, आपको अब हाइड ऐप्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगर आपने पासवर्ड पहले से लगाया होगा तो उसको आपको डाल देना है, नहीं लगाया है तो आप क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारी एप्लीकेशन जो है शो हो रही है, जिसमें कि आपको इंस्टाग्राम भी दिख रहा होगा जो कि हाइडन में है। देख सकते हैं हाइडन ऐप्स में जो है गूगल पे है, इंस्टाग्राम है, फ़ोन पे है, स्नैपचैट है, टेलीग्राम है, यूट्यूब है। तो मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम को अनहाइड करना चाहता हूँ, तो अनहाइड करने के लिए डिसेबल कर देंगे। इस तरीके से इनेबल होगा तो आप डिसेबल कर देंगे। अब यह अनहाइड हो चुका है, अब यह शो हो जाएगा। चलिए देखते हैं, मेरा जो है हाइड करने के कारण ये ऐप जो है शो नहीं हो रहा था, तो अब देखते हैं। तो यहाँ पे शो नहीं होगा, इसे हम ऐसे करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे इंस्टाग्राम को। देख सकते हैं ये ऐप जो है यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पे फिर से जाता हूँ और इसे स्क्रीन पे लाने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको यहाँ पे इस पे थोड़ा देर के लिए क्लिक करके रखना है। देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टाग्राम है, थोड़ा देर के लिए क्लिक करके रखेंगे तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे ले आएगा। अब आपको यहाँ पे सेट कर देना जहाँ सेट करना चाहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप इंस्टाग्राम ऐप को स्क्रीन पे ला सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं।